Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बॉलीवुड के चुलबुल पांडे सलमान खान का आज अपना 55वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोरोना काल में उनका जन्मदिन मनाया जरूर जा रहा है, लेकिन पूरी सावधानियों के साथ। खुद सलमान खान ने इस बार अपने बर्थडे पर किसी भी बड़ी पार्टी से इनकार कर दिया था। अब सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे तस्वीरें वायरल हुई हैं जिन्हें देखकर कहा जा सकता है कि सलमान जो कहते हैं वही करते हैं। सलमान खान ने किस तरीके से अपने पनवेल वाले फार्म हाउस पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है, देखें इस वीडियो में। Thank you for coming, sir. Thank you for coming, sir. यार, खड़ा मत भाई, ये फोन आगे में तो आगे भाई। अरे मेरा फेवरेट नहीं, सुमित सर ने जोड़ता नहीं है। सुमित सर ने बर्थडे को देख रहे हैं, आपकी फैन फॉलोइंग है, कैसे देखते हैं आप अपने इस बर्थडे को? बट इस बार कुछ बर्थडे सिर्फ परिवार यहाँ पर है, कोई नहीं यहाँ पर। और वैसे हमें इस बार कुछ करना भी नहीं था क्योंकि ये साल सबके लिए बहुत खतरा है और सब बहुत डिफिकल्टीज में रहे, तो ये इस बार सेलिब्रेशन बनता है नहीं। होपफुली के सब अगले साल ठीक हो जाए, क्रिसमस और न्यू ईयर हम सबके लिए अच्छा साबित हो और अगला साल हमारे लिए कौन सा साल? अगला साल 2021। अच्छा, 2021 हमारे आप सब लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए। और आज 27 हो गया, फिर बस यही है। और जस्ट होप दैट एवरीवन इज हेल्थी एंड एवरीवन इज हैप्पी एंड सेफ और मास्क पहनो और हाथ धो और सोशल डिस्टेंसिंग रखो ताकि आप सब सेफ हो। जैसे कि मैं बिग बॉस में कहता हूँ कि प्यार करो ना, नवीन करोना, डोंट गिव देम करोना। भाई राधे का लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार, राधे जब रिलीज होगी तो रिलीज होगी, देखो कि ये सिचुएशन क्लियर हो जाए। राजा भाई कैमरा पीछे लो ना भाई, तुम्हारा राजा भाई वापस से थिएटर्स जाना शुरू करते हैं, सबके पास इतने पैसे हों कि वो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट पे खर्च करें। जब जब भी होगी वो फिल्म वो होगी। अब देखते हैं कि पिछले ईद का कमिटमेंट था, अब इस ईद का कमिटमेंट दे देंगे बहुत ही जल्दी, तो अगर इस ईद तक सब क्लियर हो जाता है तो इस ईद पर रिलीज होगी, नहीं तो फिर देखेंगे जब भी रिलीज होगी रिलीज होगी। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम रिलीज करते हैं राधे को तो वो सब जो भी थिएटर में जाए वो सेफ रहे। अगर सेफ नहीं है और खुदा न खास्ता किसी का देहांत हो जाता है, कोई बीमार पड़ जाता है, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, उनके लिए अच्छा नहीं है। ये देखेंगे कि हर चीज सक्सेसफुली प्लान करके करें। और आज 27th है, बीइंग ह्यूमन के अंदर सेल है और क्योंकि कोविड टाइम है अभी भी और वापस से तेजी से बढ़ रहा है, तो आज भी है और कल भी है। तो जाओ बीइंग स्टोर्स, रोटी कपड़ा और मकान। अब मकान मकान तो मैं सप्लाई नहीं करता, मैं वन बेडरूम में रहता हूँ। तो जो भी हम डिस्काउंट कर सकते हैं 40-50% वो डिस्काउंट कर सकते हैं, जिसमें हमारा शायद नुकसान हो,
होगा लेकिन आपका फायदा होगा, तो जाए भी यूं में जितने भी कपड़े उठाना चाहे उठा ले वहाँ से। तो कल और परसों मीन्स आज 27 और 28 बीइंग ह्यूमन स्टोर्स के अंदर आपको एक अच्छा खासा तगड़ा सेल मिलेगा, जाएं और ऑलमोस्ट नथिंग के अंदर जाके अपनी शॉपिंग कर लें। और जहां तक के रोटी का सवाल था, अब जितना हम कर सकते थे हमने किया और आगे भी जाके करेंगे, लेकिन दुआ करते हैं कि सबकी रोजी रोटी नौकरी सब चले और सब वापस से अपने पैरों पे खड़े हुए। थैंक यू भाई सो मच भाई। आपके अंदाज में एक नए साल की विश एंड कोई स्पेसिफिक प्लानिंग होने वाली है आपकी तरफ? हाँ, तो हर जो बुरी चीज करते हो उसको कम करो और जो हर जो अच्छी चीज करते हो उसको थोड़ा सा बढ़ा। हैप्पी बर्थडे सर। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.